ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। कोस्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। चार्जशीट से बौखलाए हैं कांग्रेस के सभी मंत्री, कहा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने। सदियाना में 5 करोड़ की लागत से बनेगा कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने दी जानकारी। हैदराबाद के नवाब को प्रदेश में लाकर की जा रही है लूट घसूट, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद राजवली ने लगाए आरोप। और कैशलेस प्रणाली के प्रति कम दिख रहा है लोगों का रुझान, एसटीएम सदर डॉक्टर मदन कुमार ने प्रणाली को ज्यादा अपनाने की अपील। नोटबंदी के कारण व्यापारी वर्ग को एक और जहां मंदी की मार झेलनी पड़ रही है, वहीं कैशलेस में बैंक के माध्यम से उपयोग किए जाने वाली प्रणाली में 2% कमीशन काटे जाने पर व्यापारी वर्ग को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। ये कहना है हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के सचिव हरमीत सिंह बिट्टू का। उन्होंने सरकार से मांग की है या तो व्यापारियों को मुनाफा बढ़ाया जाए या फिर इस प्रणाली को बिना कमीशन काटे जारी रखें। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के सचिव हरमीत सिंह बिट्टू का कहना है कि नोटबंदी के कारण छोटे व बड़े दोनों ही व्यापारी वर्ग आज मंदी की मार झेलने पर मजबूर हैं। आज लोग पैसा होने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार के कैशलेस प्रणाली को लेकर भी चिंता जाहिर की। सचिव का कहना है कि वह सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें पेश आ रही दिक्कतों के कारण परेशान है। अगर टोटल मार्केट की बात की जाए तो टोटल मार्केट में इसका आज की डेट में तो ये हालत है कि बहुत बुरा असर है, चाहे वो छोटा व्यापारी है, चाहे मझोला व्यापारी है, चाहे बड़ा व्यापारी है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, कारोबारी है, किसी उससे व्यापार से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसको जो है आज की डेट में मंदी की मार झेलनी पड़ रही है। या यूँ कह लिया जाए तो 65 से 70% तक जो मार्केट है वो आज की डेट में मंदी के दौर से गुजर रही है। बाजार में कहीं भी कस्टमर नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, पैसे हैं तो उसको छुट्टा करने के लिए लोगों को मुश्किल आ रही है। उसके चलते लोगों का जो भी है ज़रूरी सामान तक लोग सीमित रह गए हैं। तो उसके बाद फिर एक और जो बड़ा फैसला था प्रधानमंत्री जी द्वारा लिया गया, वो था कैशलेस इंडिया या डिजिटल इंडिया को लेकर जो था, और उनका मानना यह था कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो है वो कैशलेस होके करें और जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके द्वारा करें। तो उसमें हमारा ये कहना है कि मंडी का बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग प्रधानमंत्री जी के इन दोनों फैसलों के साथ खड़ा है, उनका समर्थन करता है, लेकिन जो व्यापारियों को पहले दिक्कतें आ रही हैं अगर उनका समाधान निकल जाता है तो व्यापारी वर्ग जो है वो उनका पूरा समर्थन करने के लिए तत्पर रहेगा। वहीं उन्होंने कैशलेस प्रणाली को लेकर कहा कि बैंक के माध्यम से उपयोग किए जाने वाली प्रणाली में 2% कमीशन काटे जाने पर व्यापारी वर्ग को घाटे का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण व्यापारी वर्ग को एक और नुकसान झेलना पड़ रहा है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जब भी आप कैशलेस में जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, चाहे वो स्वाइप मशीन है, चाहे आप मोबाइल के थ्रू करते हैं, तो उसमें कुछ एक जो प्रणालियों को छोड़कर, कुछ एक कंपनियों को छोड़कर, ज़्यादातर जो बैंकों से जुड़ी हुई प्रणाली है उसमें 1 से 2% के बीच में जो है वो कमीशन जो है वो काट ली जाती है, और वो दुकानदार के हिस्से से कटती है, दुकानदार के मुनाफे से कटती है। जहाँ तक मुनाफे का सवाल है तो प्रतिस्पर्धा का जमाना है, तो ऐसे प्रतिस्पर्धा के समय में और खाद्य वस्तुएं विशेषकर जो TA लाइसेंस और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर आती हैं, उसमें सरकार द्वारा बड़ा नॉमिनल जैसा मार्जिन है जिसको 4 या 5% है वो मुनाफा जो है वो दुकानदार के लिए निश्चित किया गया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं अगर 4-5% मुनाफे से 2% वो बैंक को दे देगा ट्रांजेक्शन चार्जेस के तौर पर, तो उसके पास क्या बचेगा। तो हमारी ये मांग है प्रधानमंत्री जी के पास भी और वित्त मंत्रालय के माध्यम से बैंकों के पास ये मांग है कि जब तक ये प्रणाली पूरी तरह विकसित नहीं हो जाती, लोग इसके साथ जुड़ नहीं जाते, या तो सरकार हमारे मुनाफे बढ़ाए या फिर बैंक जो है इस प्रणाली को पूरी तरह से जो है 0 रेट पे, 0 जो है वो कमीशन पे इसको ट्रांजैक्शन को जारी रखें। उन्होंने सरकार से मांग की है कि या तो व्यापारियों का मुनाफा बढ़ाया जाए या फिर इस प्रणाली को बिना कमीशन काटे जारी रखें। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी।
30 व 31 दिसंबर को मंडी में रेड़ी फड़ी वाले अपना कारोबार बंद रखेंगे। रेड़ी फड़ी व फल सब्जी विक्रेता यूनियन ने नववर्ष के चलते 2 दिन छुट्टी रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे फल सब्जी की खरीदारी 1 दिन पहले ही कर लें ताकि कोई दिक्कत पेश न आए। मंडी में रेड़ी फड़ी वाले 30 व 31 दिसंबर को अपना सारा कारोबार बंद रखेंगे। इस बारे में रेड़ी फड़ी व फल सब्जी विक्रेता यूनियन के सचिव ने बताया कि गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी 2 दिन छुट्टी रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने सभी रेड़ी फड़ी व फल सब्जी विक्रेताओं से आग्रह किया है कि वे 2 दिन तक अपने सारे कारोबार बंद रखें। साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे फल सब्जी की खरीदारी 1 दिन पहले ही कर लें ताकि कोई दिक्कत पेश न आए। हर वर्ष की भांति फल एवं सब्जी विक्रेता जो मंडी की है, जैसे कि पिछले वर्ष की भांति फल एवं सब्जी जो विक्रेता यूनियन के साथी हैं हमारे, जो फल एवं सब्जी बेचते हैं, उन्होंने बंद का ऐलान किया है और 30 और 31 को हमारी दुकानें बंद होगी। तो मेरी पब्लिक जो मंडी की है उनसे निवेदन है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार सब्जी फल अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद लें और हमें उम्मीद है कि लोग इस में हमारा पूरा समर्थन करेंगे और नए साल को जो है 2 तारीख से हमारी मार्केट खुलेगी, ऐसे क्योंकि 1 तारीख को संडे आता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। परमार्थ इंटरनेशनल स्कूल बैजनाथ द्वारा वार्षिक समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जबकि उनके साथ देहरा के विधायक रविंदर रवि भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के आने पर स्कूल की नन्ही मुन्नी छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गीत गाकर उनका अभिनंदन किया गया। उसके उपरांत मुख्य अतिथि ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा कवाली, स्वच्छ भारत अभियान, कोहली डांस, झांसी की रानी पर आधारित कार्यक्रम, नाटी, राजस्थानी डांस, हरियाणवी नृत्य व कई अन्य प्रस्तुतियां देकर उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर धूमल ने कहा कि कार्यक्रम का थीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सराहनीय है। उन्होंने कहा कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंगानुपात जांच करवाना गलत है। उन्होंने कहा कि इस अपराध को रोकने के प्रति जागरूकता पैदा करना सबका कर्तव्य है, चाहे सरकार किसी की भी हो। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में हम सजग व सचेत नहीं होंगे और इस कुरीति की सूचना नहीं देंगे, तब तक बुराई पर काबू किसी की भी हो। कई बार पनिशमेंट का बड़ा प्रावधान किया जाता है, इतना जुर्माना था। जो गोल्ड मेडल थे वो लड़कियों के थे, 75% से ज़्यादा गिनकर भी और रिपोर्ट लेकर भी हमने पता किया। गांव सड़क से जुड़ा नहीं होता है तब तक विकास नहीं होता। अभी होगा स्वस्थ भी होगा तो अपने रोजगार या स्वरोजगार में लगे, स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर हो और स्वाभिमान के साथ सिर ऊँचा करके जिए। सड़क से जुड़ा हो, हर नागरिक शिक्षित हो, स्वस्थ हो, स्वावलंबी हो, स्वरोजगार में लगा हो और स्वाभिमान के साथ हिमालय की तरह सिर ऊंचा करके हर हिमाचली देशभर में सबसे आगे खड़ा होना चाहिए। इस दौरान स्कूल की निदेशिका इंदु गोस्वामी ने समारोह में आने पर मुख्य अतिथि प्रेम कुमार धूमल का धन्यवाद किया। साथ ही स्कूल में वर्ष भर की शैक्षणिक व सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी मुख्य अतिथि व उपस्थित श्रोताओं को दी। उन्होंने बताया कि बेहतर स्कूल प्रबंधन द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से स्कूल के कई बच्चे आज उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश का जन जन बच्चा बच्चा आपके व्यक्तित्व से परिचित है, फिर भी परमार्थ परिवार की मुखिया के नाते परंपरा के अनुसार आपके परिचय में चंद शब्द कहूंगी। आपको यहाँ की जनता जो है सड़क वाले मुख्यमंत्री के रूप में आपको पहचानती है, आपको पुकारती है। आपने हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाने में कई प्रयास किए, जिसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सुधार है वह राज्य के प्रत्येक प्राथमिक विश्वविद्यालय में 3 पक्के कमरों का निर्माण करना है। पढ़ाई में
अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के छात्रवृत्ति प्रदान करने की पहल आपने ही की थी। समारोह के अंत में मुख्य अतिथि प्रेम कुमार धूमल ने स्कूल की मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। नया साल 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर सबकी मनोकामना पूरी करे और सारा साल सदर चुनाव क्षेत्र और जिला मंडी और पूरे प्रदेशवासियों को के लिए मंगलमय रहे। हमारी पूरी शुभकामनाएं सबके साथ रही। आज मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष होने के नाते अपनी तरफ से पूरे हिमाचल प्रदेश की तरफ से पूरे देश की जनता को, हिमाचल प्रदेश को की जनता को दिल की गहराइयों से ये जो नया वर्ष भी 2017 बैठने जा रहा है, इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। ये नया वर्ष सा आम जनता के लिए खुशी, खुशहाली और समृद्धि लेकर के आए। मैं सभी हिमाचल के आईटीआई के कर्मचारी और सभी कर्मचारी और हिमाचल निवासियों को इस नववर्ष 2017 के आगमन पर अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि इस देवभूमि हिमाचल को 2017 में नई ऊंचाइयां मिले, नए आयाम मिले और सभी जो हिमाचल वासी हैं वह इस 2017 में नई खुशियां प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। गुरु गोविंद सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से सभी मंडी वासियों व प्रदेश वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसान बचाओ अभियान की ओर से हिमाचल प्रदेश के और पूरे हिंदुस्तान के तमाम जो किसान और मेहनत का स्वर्ग हैं, उनको नववर्ष 2017 की उन शुभकामनाओं के साथ के जिस तरह से बेरोजगारी है, महंगाई की लूट है, सूखा है, वन्य प्राणी आतंक है या तमाम तरह का जो भ्रष्टाचार है, उससे निजात दिलाने का ये नववर्ष 2017 हो, उनको तमाम किसान और मेहनत वर्गों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रशांत शर्मा, जिला महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा, प्रदेशवासियों को, मंडी वासियों को तथा समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष सभी के लिए सुख एवं समृद्धि लेकर आए। नए साल की हिमाचल वासियों को मेरी हार्दिक शुभेच्छाएं और जनता को मैं कहूंगा कि ये जो आने वाला साल है सबको शुभकामनाएं हो और फूले फले और सबको खुशियाँ मिलाए दे। इस देश के हिमाचल वासियों के मैं ये एक भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ और हैप्पी न्यू ईयर हिमाचल प्रदेश। मैं फतेहराम, मंडी विधानसभा सदर कांग्रेस का महासचिव होने के नाते मंडी की इस विधानसभा क्षेत्र की सभी आम तमाम जनता को
नए शुभ अवसर पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी यहां की स्थानीय जनता को, मंडी की जितनी भी हमारी जनता है, सभी लोगों की आने वाले नए साल जो है सभी को इसकी बधाइयाँ हो, बहुत बहुत बधाई हो, नई खुशियाँ मिले। तो इसी के साथ मैं सभी मंडी वासियों को नई इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लोकेंद्र कुटलेहड़िया, कन्वीनर विधि एवं मानवाधिकार विभाग, कांग्रेस जिला मंडी। मैं लोकेंद्र कुटलेहड़िया, अधिवक्ता, जिला न्यायालय मंडी। हिमाचल प्रदेश की जनता, जिला मंडी की जनता, वो भारतवर्ष की तमाम जनता को अपनी ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। वो कामना करता हूं कि सभी लोगों का आने वाला वर्ष अच्छा हो, मंगलमय हो। वो नववर्ष में वो ऐसे कार्य करें जो कि देश हित, अपने हित के लिए अच्छे हों। मैं सभी वॉलंटियरों को SSB प्रशिक्षित बेरोजगार गुड़िया संगठन प्रदेश कार्यकारिणी के तरफ से बधाई देता हूं और कि नया साल उनके जीवन में खुशियां लाई करके आए। मैं अशोक कपूर, प्रधान व्यापार मंडल मंडी, आप सारे मंडी नगरवासियों का स्वागत करता हूं और जो नया साल आने वाला है उसके लिए सबकी सुख समृद्धि, स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और चाहता हूं कि सारा मंडी शहर हमारा खूब खुशहाल रहें और आने वाले वर्ष में खूब तरक्की करें। यही हमारे व्यापार मंडल के सदस्यों की आपके लिए शुभकामना है। मैं हरीश शर्मा, प्रधान पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला मंडी, समस्त हिमाचल प्रदेश एवं जिला मंडी के समस्त पेंशनरों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से निवेदन करता हूं कि आप लोगों की लंबी आयु हो और हमारे इस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़े रहें। जो पेंशनर हमारी एसोसिएशन से रुष्ट हैं और जुदे जुदे रूप में अपने अपने स्थापना दिवस एवं बैठकें कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि नए साल में एक नया शुरुआत करके इसको एक बना करके एक मंच पर आकर के, ताकि हम अपनी समस्याओं का समय समय पर समाधान करते रहें। मैं राजा वीरभद्र सिंह जी का बहुत आभारी हूं जिन्होंने कि 65, 70 और 75 वर्ष की आयु कर चुके पेंशनरों को 5, 10, 15% की वृद्धि, जिसको कि मूल पेंशन में 17 तारीख को घोषणा करके शिमला में मिला दिया है, उसके लिए मैं हिमाचल सरकार का भी और राजा वीरभद्र सिंह का बहुत आभारी हूँ। मैं तखन फास्ट फूड की तरफ से समस्त मंडीवासियों को 2017 की आगमन के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूँ। मैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा, शॉप नंबर 175, राजू स्वीट स्टोर, इंदिरा मार्केट मंडी की ओर से सभी मंडी नगर वासियों एवं हिमाचल प्रदेश के वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। प्रधान ग्राम पंचायत तांदी, मेरा नाम देवेंद्रा कुमारी है और मैं जो 2017 का जो बधाई देना चाहती हूँ अपने पंचायत के सभी जितने भी लोग हैं सभी को, मैं चाहे सर्कल में जितने भी पंचायतें हैं सभी को मैं एक नए साल की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। तो साथियों, मैं सोचती हूँ कि दो हज़ार सतारह जो वर्ष है एक खुशी लाएं। तो इसी के साथ, हर फूल तुम्हें मुबारक हो, हर चमन तुम्हें मुबारक हो, हम जिंदा रहे या ना रहे, 2017 आप सभी को मुबारक हो। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।